अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ मूंग दाल खिचड़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 1 कप। इसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगो दिया था। और ये मैंने ली है 1/4 कप छिलके वाली मूँग दाल। तो ये दाल और चावल दोनों को भी हमें अच्छे से धोकर इसे भिगो कर रख देना है 1 घंटा पहले। और इसके अलावा देखिए, ये मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली है स्लाइस में कटी हुई। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून। काली मिर्ची का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लेंगे हम 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो सबसे पहले तो हम एक बर्तन में 4 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ये ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे ये ज़ीरा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ये कटी हुई प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी हमें सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और ये अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है तो उसमें हम ये काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें ये नमक भी डाल देंगे। और ये गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये गरम मसाला हम आधा ही इसमें ऐड करेंगे और आधा हम बचा लेंगे। ये प्याज जले नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें जो मूंग दाल हमने भिगो कर रखी थी तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1/2 ग्लास। तो अब हमें ये सारा पानी ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है ताकि ये जो दाल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इसकी लीड हम बंद कर देते हैं और इसका पानी ड्राई होने तक इसे पकने देते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और ये जो दाल है वो भी थोड़ी गल गई है। तो अब हम इसमें चावल की क्वांटिटी का दुगना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 2 ग्लास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें हम ये चावल ऐड कर देंगे। और ये चावलों का पानी ड्राई होने तक हमें इसे पका लेना है। तो अब देखिए, चावल का सारा जो पानी है वो ड्राई होने तक हमने इसे पका लिया है। और इसके बाद देखिए, जो आधा गरम मसाला पाउडर हमने बचा लिया था तो वो अब हम इस पर इस तरह से डाल देंगे। और फिर बस इसे हम कवर कर देंगे और दम दे देंगे 5 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम जो है हमें लो कर देनी है। 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो मूंग दाल की खिचड़ी है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारी मूंग दाल की खिचड़ी। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। तो अगर आपको ये मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। फरहीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।